हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है बैचलर साइंस मनोज सर यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त मनोज यादव। साथियों, आज हम लोग समझने वाले हैं हीमोग्लोबिन के बारे में, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में और उसके कुछ जानकारी कि ये क्या, कैसे, कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग हीमोग्लोबिन का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करते हुए आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए साथियों, अगर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन जो होता है साथियों, वो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। क्या होता है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। हीम जो होता है वो क्या होता है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। और जो ग्लोबिन होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ग्लोबिन क्या होता है साथियों? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं साथियों। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, सभी को क्लियर दिखेगा, जो हीम है साथियों, ठीक है, ये क्या है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। ठीक है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। जो हीम है वो क्या है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। और उसके बाद जो ग्लोबिन है, जो आप कहते हैं ना कि ग्लोबिन, तो ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन होता है। क्या होता है दोस्तों? ग्लोबिन जो होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। इन्हीं दोनों के मिलने से आपका हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, इन्हीं दोनों के मिलने से हीमोग्लोबिन बनता है। यानी आयरन और प्रोटीन मिला करके क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हीमोग्लोबिन में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा, और ऑक्सीजन अब्सेंट है तो क्या होगा। साथियों, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। और चलिए अगर मैं बात करता हूँ इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो इसका स्ट्रक्चर्स बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सरल है। सभी लोग एक बार में जरूर बना लेंगे, मैं कोशिश करूंगा। चलिए इधर देखते हैं और तुरंत इसको ड्रा करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए तो जल्दी से आप सभी लोग ड्रा कर लीजिए साथ में। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा दूर दूर नहीं बनाना है आप सभी को। ठीक है, ये इतना आपने कर लिया। अब यहाँ पे नाइट्रोजनी बेस लगा देना है, नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए, और आपका सेंटर में क्या है? आयरन है। सेंटर में क्या है? आयरन है। अब इसको अटैच कर देना है साथियों। ठीक है, अब इसको इसको क्या कर देना है? अटैच कर देना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही, ये देखो, ठीक है ना। अब चलो इसको हम इसको क्या करते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड से एडजस्ट करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे है, ये हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अल्टरनेट क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे साथियों, इसको आप ऐसे कर दीजिए, डबल बॉन्ड। अभी हम इसको बताते भी हैं आप सभी को। ठीक, चलो बहुत सिंपल तरीके से इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको आप अटैच कर दीजिए, ये, ठीक, ये आपने अटैच कर दिया। अब आपको करना क्या है, जो आपका मेन पॉइंट है उसे करना क्या है, उसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, CH3, CH2, CH2, COOH, एक इधर कर दिए हम और एक आप इधर कर दीजिए, CH3, CH2, CH2, COOH, ये हो गया। अब आपको करना क्या है ध्यान से देखिएगा, CH1, CH2, CH1, CH2। ठीक है, अब क्या बचा है अभी आपके पास? यहाँ पे लगा दीजिए CH3 और यहाँ पे लगा दीजिए
CH3। देखिए आपको चार CH3 मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये हो गया टोटल आपका साथियों, क्या ये हो गया टोटल आपका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको समझा दिया है, देखो कितना सिंपल तरीके से मैंने इसको आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अगर अब मैं बात करता हूँ इसके नाम की, इसके नामकरण की, तो चलिए देखते हैं इसका नामकरण कैसे होगा। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई, बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण। हाँ तो साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा आयरन है वो प्रोटीन से क्या है, अटैच है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चार क्या है, पायरोल रिंग है। ये चार क्या है, पायरोल रिंग है, ठीक है। चार क्या है, पायरोल रिंग है। और साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक विथ CH ग्रुप से, यहाँ पे आप देख सकते हैं CH ग्रुप से मैंने इसको लिंक कर दिया है, ठीक है। इसमें ये चीजें प्रेजेंट होंगी तभी आपका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कम्प्लीट होगा, ठीक है। तो चार पायरोल रिंग है, 1, 2, 3, 4। उसके बाद आप देख सकते हैं लिंक है किसे, CH ग्रुप से, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 और 4, चार ग्रुप हो गए। अब हम बात करते हैं मेथिल ग्रुप, तो इसमें चार मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। कितने मेथिल ग्रुप, चार मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। देखिए ध्यान से, पहला मेथिल ग्रुप, दूसरा मेथिल ग्रुप, तीसरा मेथिल ग्रुप और चौथा मेथिल ग्रुप। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं साथियों दो विनाइल ग्रुप की, किसकी, दो विनाइल ग्रुप। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो एक विनाइल ग्रुप ये हो गया है और दूसरा विनाइल ग्रुप ये हो गया है, दो विनाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट हो गया है। अब हम बात करते हैं साथियों दो प्रोपोनोइक ग्रुप की, ठीक है। तो दो प्रोपोनोइक ग्रुप, एक यहाँ पे आप ये देख सकते हैं और एक ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रोपोनोइक ग्रुप हो गए और एक हीमोग्लोबिन के साथ साथियों चार ऑक्सीजन अटैच होता है, एक हीमोग्लोबिन के साथ चार ऑक्सीजन अटैच होता है। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई साथियों। चलिए अगर क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़े हम, या इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए। ये था आपका हीमोग्लोबिन का बेसिक स्ट्रक्चर्स और कुछ उसके बारे में। अब हम बात करते हैं साथियों हीमोग्लोबिन में पिगमेंट में क्या क्या पाया जाता है और ग्लोबिन जो प्रोटीन है उसमें क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में। तो चलिए इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ तो चलिए अब मैं यहाँ पे आप सभी के सामने रखता हूँ हीम और क्या है ग्लोबिन, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हीम और ग्लोबिन, अगर मैं इनको दो पार्ट में, जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, ध्यान से देखिएगा, मैंने इनको दो पार्ट में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो हीम हमारा क्या साथियों, हीम हमारा जो है वो एक प्रकार का पिगमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पिगमेंट पार्ट, क्या लिखेंगे, पिगमेंट पार्ट। और ये हमारा ग्लोबिन क्या है, ये एक हमारा प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन पार्ट। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। हम आप बात कर रहे हैं यहाँ पे हीम के बारे में और यहाँ पे ग्लोबिन के बारे में। तो जो हीम होता है वो क्या होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि आयरन होगा, आयरन के साथ क्या होगा, पोरफायरिन रिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन के साथ क्या है, यहाँ पे आप दो भाग इसको कर दीजिए, आयरन, ठीक है, और पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग, ठीक है, ये हो गया। अब ये बात करते हैं आयरन कैसा है, आयरन या इसमें इसका ऑक्सीडेशन जो आयरन है उसका कितना है, F2 प्लस में है या F3 प्लस में है। तो ध्यान से देखिएगा, जो आयरन है साथियों वो क्या है, फेरस है, ठीक है, फेरस फॉर्म में, किस फॉर्म में, फेरस फॉर्म में है, फेरस फॉर्म में है। यानी यह जो हमारा आयरन है वो क्या है साथियों, आयरन हमारा जो प्लस टू फॉर्म में है, ठीक है, ये प्लस टू फॉर्म में। अब ये बात करते हैं इसके बारे में, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं पोरफायरिन रिंग के बारे में। तो जो पोरफायरिन रिंग होती है वो कितनी होती है साथियों, मैंने आपको बता दिया था, वो होती है टेट्राहेड्रल। कैसी होती है, टेट्रापायरोल होती है स्ट्रक्चर्स में, कैसी होती है, टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर। इतनी बात आपको समझ में आ गई हीम के बारे में, ठीक है, क्लियर हो गया साथियों सभी को, एकदम बेसिक तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और सभी को मैं समझ पा रहा हूँ कि क्लियर दिखाई सुनाई पड़ रहा होगा और दिखाई भी दे रहा होगा।
चलिए इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ये टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर्स इसके अंतर्गत इन्वॉल्व होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बता के दिखाया था, ठीक है। अब चलिए मैं बात करता हूँ ग्लोबिन प्रोटीन के बारे में। तो जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है साथियों, ये क्या होता है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है। इसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होता है। तो दो प्रकार की इसमें चेन होती है, उन दोनों चेन के बारे में हमें अच्छे से समझना होगा, उसमें कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कितने कितने अमीनो एसिड, अगर दो प्रकार की चेन होगी तो दो दो अलग अलग अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे। चलिए तो हम यहाँ पे बात करते हैं ग्लोबिन प्रोटीन के बारे में। तो ग्लोबिन प्रोटीन जो होता है वो कैसा होता है साथियों, वो होता है पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक। इसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। लेकिन यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन है साथियों, ये दो तरीके से डिवाइड हुए हैं। तो दो तरीके से अगर डिवाइड हुए तो इसको हम भी डिवाइड करके देख सकते हैं, कैसे, कुछ इस प्रकार से आप सभी लोग देखिएगा। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है साथियों, वह क्या है, एक अल्फा चेन है और एक बीटा चेन है। तो ध्यान से देखिएगा, अल्फा चेन और यहाँ पे बीटा चेन, ठीक। यह सभी के साथ एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा, एक अल्फा चेन है और एक बीटा चेन है। तो अल्फा चेन के अंतर्गत कितने एमिनो एसिड आते हैं और बीटा चेन के अंतर्गत कितने एमिनो एसिड आते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अल्फा एमिनो एसिड के साथ साथियों 141 इंटू टू, ठीक है, क्या इंटू टू, यानी टोटल इसमें जो होते हैं कितने होते हैं साथियों, 282 एमिनो एसिड, ठीक। अल्फा एमिनो एसिड मतलब अल्फा चेन के साथ पास कितने एमिनो एसिड होते हैं, 282। अब हम बात करते हैं साथियों बीटा चेन में, तो बीटा चेन में जो होते हैं साथियों वो ध्यान से देखिएगा 146 इंटू टू, ठीक है, यानी टोटल इसमें अमीनो एसिड के नंबर जब संख्या कितनी होती है, कितनी होती है साथियों, जल्दी से सभी लोग एक बार बताइए जल्दी से, कितनी होगी, 292, तो ये हमारा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये इतने और इतने अमीनो एसिड से मिलकर के क्या हुआ है, बना हुआ है। और जी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उससे हमारा जो प्रोटीन बना है ग्लोबुलर प्रोटीन, कुल कितने अमीनो एसिड से बना है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, अल्फा अमीनो एसिड अलग होते हैं और बीटा अमीनो एसिड अलग होते हैं, तो यहाँ पे इतने और इतने उसकी नंबर ऑफ अमीनो एसिड की जो संख्या है वो इस तरह से है। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो चलिए हम आगे बात करते हैं, ठीक, आगे बात करते हैं और इसको अच्छे से आगे हम समझते हैं, ठीक है। चलिए तो आप इसको इरेज कर लीजिए, इसको सॉरी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों तो अब हम यहाँ पे कुछ हीमोग्लोबिन के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट होता है, ठीक है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये प्रेजेंट होता है इन आरबीसी में, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है आप ब्लड। तो चलिए इस तरीके के कुछ विशेष 4-5 पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरा डिटेल से हीमोग्लोबिन समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो होता है हीमोग्लोबिन, ये रेड क्या होता है, इट इज अ रेड पिगमेंट होता है, या एक लाल रंग का पिगमेंट होता है। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा, इट इज अ रेड पिगमेंट, ठीक है, इट इज अ रेड पिगमेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन आरबीसी ऑफ ब्लड, इट इज प्रेजेंट आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेस ऑफ, ठीक है, प्रेजेंट कहाँ पे होता है, प्रेजेंट इन आरबीसी ऑफ ब्लड, ओके। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। अगर मैं बात करूं साथियों तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज कॉन्जुगेटेड प्रेजेंस इन द किसमें, क्रोमोप्रोटीन, इट इज
इट इज कॉन्जुगेटेड, इट इज कॉन्जुगेटेड, ठीक है, प्रेजेंस इन, प्रेजेंस इन क्रोमो प्रोटीन, किसमें, क्रोमो प्रोटीन, ये ठीक। इतनी बात सभी को क्लियर समझ में आ गई साथियों, सभी को क्लियर दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए और इसको लिखते चलिए साथ में, ठीक है। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करता हूँ तो अगला पॉइंट जो है आपका, इट इज मेड अप ऑफ द आयरन एंड प्रोटीन, किससे किससे मिलकर बना होता है, इट इज, इट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड प्रोटीन, ठीक है। तो ये किससे किससे मिलकर बना है साथियों, इट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड प्रोटीन। इतनी बात सभी को क्लियर समझ में आ रही है, जल्दी से अगर आ रही है तो सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। चलिए अब मैं अगर बात करता हूँ इसके जो मॉलिक्यूलर वेट है कितना होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है साथियों वो होता है 68,000, कहीं कहीं पे आपको मिलता है और कहीं कहीं पे इट हैज या इट इज मॉलिक्यूलर वेट, इट इज, इट इज मॉलिक्यूलर वेट, कहीं कहीं पे आपको 68,000 मिलता है और कहीं कहीं पे आपको मिलता है 64,500, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 68,000 मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको मिलता है 64,500, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई कि नहीं आई। और ये किस में होता है साथियों, ये डाल्टन में होता है, ठीक है, डाल्टन में होता है, याद रखिएगा। चलिए इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू एक वयस्क में देखा जाए और या बच्चों में देखा जाए या एनिमल्स में देखा जाए या जब ब्लड बनता रहता है प्लेसेंटा में तब देखा जाए, तो इसकी अमाउंट जो है कितनी होती है, तो उसके बारे में अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट इतने का ले लीजिए और चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन, मैं बात करूंगा सिर्फ दो के बारे में, और फीटस और न्यू बॉर्न बेबी के बारे में, ठीक है। जब मतलब क्या होता है, जो आपका ओवम और एग है वो थोड़ा सा डेवलप करके जब आगे बढ़ता है, यानी चाइल्ड जैसे प्रोसेस बनने लगता है, ठीक है, तो वहाँ पे उसका जो हीमोग्लोबिन है कितना अमाउंट होता है, और जब न्यू बॉर्न बेबी जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो कितना होता है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसकी जो वैल्यू है, इसका जो वेट है वो बहुत ही लगभग लगभग सिमिलर है, तो आपको ध्यान रखना है दोनों का, ठीक है, क्योंकि आपका ये मिस्टेक भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको समझते हैं और आगे के जो पॉइंट है इनको भी समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फीटस होता है उसमें होता है साथियों 16 से 18 ग्राम प्रति डाल्टन, कितना होता है 16 से 18 ग्राम प्रति डाल्टन, ठीक है, 16 से 18 ग्राम प्रति डाल्टन होता है। और अगर हम बात करते हैं न्यू बॉर्न बेबी के जो अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वह कितना होता है साथियों, वह होता है 24 ग्राम प्रति डाल्टन। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई साथियों, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगर बात करते हैं कि यहाँ पे जो ट्रांसफ्यूजन ऑफ प्लेसेंटा हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन 4 यूनिट ऑक्सीजन अटैच टू द 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, जो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है वो 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, ये आप सभी को पता होगा। लेकिन ये बातें आपको अगर पता होंगी तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आप इसको आराम से लिख लीजिए और याद करते चलिए, ठीक है साथियों।
तो ये था आपका हीमोग्लोबिन के बारे में। और इसके अभी ढेर सारे हैं, जैसे ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो क्या होगा, और ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करता है तो क्या होगा, और अगर ऑक्सीजन से ये बाइंड करता है तो इसका जो कर्व कैसा बनेगा, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको हमेशा याद रखना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे उस पॉइंट को चलिए डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद हम इस देखिए, अगर जो हमारा हीमोग्लोबिन है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है साथियों, अगर जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है, ठीक है, ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो क्या होगा, बताइए जल्दी से। अगर वो ऑक्सीजन से अटैच होता है तो क्या होता है, उसमें बॉन्ड जो बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, पहली बात कोवैलेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर हम दूसरी बात करते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होगा, उसकी एफिनिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, तो इसकी एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, रीजंस ऑफ टू डिसोसिएशन। हाँ चलिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे साथियों, जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच करेगा तो वो कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, कैसा से देगा, तो सिग्मोइड हो जाएगा, कैसा, सिग्मोइड, कैसा हो जाएगा साथियों, सिग्मोइड शेप हो जाएगा, ये आपसे पूछा जाता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, सिग्मोइड शेप बनता है। अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच करता है तो वो कैसा बनेगा, यूं, ठीक है, ये होता है आपका सिग्मोइड शेप, आप इसको नोट कर लीजिए आराम से, ठीक है, ये आपका टी है और ये आपका HP है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये शेप ऐसे ही बनता जाएगा, इसे कहते हैं सिग्मोइड शेप, क्या कहेंगे, सिग्मोइड शेप कहेंगे, यही है आपके साथ, ठीक है ना, इतनी बात सभी को क्लियर समझ में आ गई। तो आप सभी को अगर ये समझ में आ गया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दबा के चलिए, तो थैंक यू, आप सभी लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए।